इंसाफ तो हमें ये मिलना चाहिए, जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं जो हमारे जी पे बीच रही है, और उनके भी ऐसे जाने चाहिए जो उन्हें भी पता लगे। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, जिन्होंने गोली मारी, जिन्होंने मारा उन्हें, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम तो वहाँ पर थे नहीं, लेकिन जो हमारे लड़के को उठा कर ले गया उनने भी कहा भाई पुलिस वालों ने मारे, जो वहाँ पे मौके वारदात पर थे लड़के उन्होंने भी बताया। एक 9 नंबर गली का लड़का मरा था, वही उसके सिर में गोली लगी थी, लड़के ने उसका हाथ पकड़ के वीडियो बनाई है, उसने भी बतलाया कि जी यहाँ पुलिस वालों ने गोली चलाई है और उन्होंने मारी है। तो कोई नहीं लिखे नहीं उन्होंने, हमने पहले तो हम दहशत में थे, उन्होंने कहा भाई जो जो थे मरे हैं नोटिस आएंगे ये आगा, और खैर हमारे पास तो कोई आया नहीं, लेकिन औरों के पास जिनके मरे थे उनके पास आया एक दो नोटिस। हमने फिर फरवरी के महीने में मानव अधिकार आयोग को और अल्पसंख्यक आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और डीएम साहब को, जिलाधिकारी को, अरे एसएसपी को, और एडीजी को, डीजीपी को, वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष, इन सबको हमने वो जो वारदात के दिन की जो घटना हुई थी वे सीटी लगा के सबूत के तौर पे हमने भेजी थी एप्लीकेशन के साथ कि हमारे भाई को गोली पुलिस वालों ने मारी है और 32-33 वाले पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और मुकदमा लिखा जाए इनके लिए। तो अभी तक कोर्ट के अंदर जब हमने एप्लीकेशन डाल दी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मजबूरी में 156(3) में कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। तो 156(3) में तकरीबन 2 साल हो गए, तारीख पर तारीख मिल ली है, और जज ने भी पीड़ित परिवार का पक्ष सुनने की कोशिश नहीं करी बिल्कुल भी। जैसे अंदर आए हैं तो अंदर ही दुकानें हैं इस सुनार की, वहाँ से गोली मारी है, गोली भी यहाँ पे लगी और इधर पान निकल गई थी। ऐसे बैठे हुए थे जैसे मैं बैठी हुई, ऐसी स्टील के जो पत्थर निकले हुए इसी साइड को बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने मारी, सब ने देखी, पहुँच गई थी पब्लिक वहीं, फिर हमारी गली की सब, पुलिस वालों ने मारी और जान के मारी, ऐसी जान के मारी कि जैसे निशाना लगा के मारा, ऐसे मारी गोली उन्होंने, एकदम गली के बाहर पहुँच गए थे और पुलिस को वापस होते भी सब ने देखी, भग गए, नू भी नहीं देखा कि क्या हुआ इसका, क्या नहीं हुआ, क्या दम निकल गया क्या नहीं निकल गया, यूँ भी नहीं देखा उन्होंने। पुलिस तो चूंकि खुद कातिल है, पुलिस कहाँ उनकी तलाश पाएगी। पुलिस ने एक भी रिपोर्ट FIR, 5 लोग 6 लोग मरे हैं, किसी की भी तरफ से भी एक भी FIR अभी तक दर्ज नहीं है, जबकि कानून भी ये है कि अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आता है तो पुलिस को अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके और उसे इन्वेस्टिगेट करना है और जो दोषी हैं उन्हें ढूंढ के लाना है, लेकिन चूंकि पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व थी, पुलिस को खुद इसमें मुलजिम है, उन्होंने FIR अभी तक भी नहीं करी। जब पुलिस ने FIR नहीं करी तो फिर जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोगों की तरफ से SSP को प्रार्थना पत्र दिए गए, DM को, IG को, और ADG को, और DGP पुलिस लखनऊ सबको दिए गए, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद फिर कोर्ट में 156(3) CRPC के तहत कार्रवाई की गई, कोर्ट का सहारा लिया गया और वो 5ों की तरफ से कार्रवाई है, अभी पेंडिंग चल रही है, अभी कोई इसमें आदेश हुआ नहीं है।